कोरोना काल में हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है और अब आरडब्ल्यूए के लोग भी सामने आ गए हैं मदद करने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोविंदपुरी इलाके की आरडब्ल्यूए की, जो गली नंबर 6 में है। इन्होंने आज कालका जी स्थित ब्लाइंड स्कूल में पहुंचकर नेत्रहीन लोगों को राशन किट दी। इस राशन किट में आटा, चावल, दाल, सब्जियाँ, तेल, बिस्किट और साथ ही साथ मास भी वितरण किए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कालका जी के ब्लाइंड स्कूल की, जहां पर गोविंदपुरी इलाके की आरडब्ल्यूए पहुंची है। सोशल डिस्टेंस बनाकर यहां पर रहने वाले सभी लोगों को राशन दिया गया। लगातार आपको बता दें कि गोविंदपुरी की आरडब्ल्यूए इसी तरीके से काम कर रही है, जो कि गली नंबर 6 में है। कुछ दिन पहले भी वह इनके द्वारा लोगों को दूध, सब्जी, बिस्किट और राशन का वितरण जो है गली नंबर 6 में किया गया और आज इसी क्रम में ये आरडब्ल्यूए पहुंची है कालका जी के ब्लाइंड स्कूल में, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो किट तैयार करी गई वो किट यहां पर दी जा रही है, जिसमें कि खाने पीने का सारा सामान है। आलू प्याज के अलावा आटा, चावल, तेल और मसाले, इन सारी चीज़ों की किट बनाकर आरडब्ल्यूए के द्वारा दिया जा रहा है। कोरोना काल में जहाँ सरकारी संस्थाएँ हों या राजनीतिक पार्टी, हर कोई सामने आकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है, उसी कड़ी में आज बस ये आरडब्ल्यू जो है गोविंदपुरी की वो यहाँ पर पहुँची है और लोगों की मदद कर रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के मामलों के बीच अभी जिस तरीके से अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हुई है, औद्योगिक क्षेत्रों को खोला गया है, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन साइट को खोला गया है, लेकिन लॉकडाउन जो है वो एक हफ्ते का राजधानी दिल्ली में बढ़ाया भी गया है और राजधानी दिल्ली में सातवें लॉकडाउन की जो शुरुआत है वो आज से हो भी गई है। अच्छा है सर, क्योंकि देखो COVID-19 है तो प्रॉब्लम्स होती है, हमारा तो फिर हॉस्टल है, सारी व्यवस्थाएं डोनर के ऊपर ही टिकी होती है, तो बहुत अच्छा है हमको मिला है। तो क्या क्या दिया है अभी हमको? आलू था इसमें और चावल थे, प्याज था और एक बॉटल तेल था, मास्क है और एक बिस्किट का पैकेट है। तो बेहतर है, मतलब कि हमारा हॉस्टल लाइफ है तो अच्छा ही। हमारा तो वैसे भी डोनर के बल पर ही चलता है हमारा हॉस्टल। कहाँ से हैं आप? मैं सर उत्तराखंड से। उत्तराखंड से कब से रह रहे हैं यहाँ? मेरे को हो गया लगभग 1.5 साल। तो और कोई दिक्कत परेशानी? कौन कौन सी संस्थाएं आपको यहाँ पे सेवा करके जाती हैं? यहाँ पे तो सर बस डोनर पे है, डोनर जो जितना जो 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 डोनर जो ला। अभी आरडब्ल्यू के अलावा कोई आया? हाँ जी सर, आते रहते हैं हम लोगों से, फिर कितना जैसे आप लोग हमारे वितरण कर गए हैं तो बहुत से लोग आते हैं, नहीं जाते हैं ऐसे। ठीक। मंजीत सिंह। मंजीत सिंह जी, आज आप ब्लाइंड बच्चों के स्कूल में आए हैं, वहाँ पे दान दिया है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए सर, हमारी आरडब्ल्यू टीम है गली नंबर 6 गोविंदपुरी। हमने काफ़ी टाइम से, जब से ये लॉकडाउन लगा है, हमें लगा है कि हम क्यों ना जूट मन बंदों के आए, जिनको कि आज की डेट में नौकरियां चली गई हैं या जो वैसे ही जिनको अपना कोई घरों में काम करते हैं तो उनकी काम नहीं है या उनके पास घर में अनाज नहीं है तो उनकी हम मदद करें। तो पिछले 3 हफ्ते से हम लगातार उनकी सेवा कर रहे हैं, अपना कभी 400 किट हैं, कभी 300 किट हैं, अपना उनको रेगुलर दे रहे हैं। आज भी हमारी जो हमारी टीम है अपना आरडब्ल्यू की, तो हमने सबको अपना यहाँ पे एकजुट होकर हमने सबने काम करा है। सुबह से हमने 400 के करीब हमने किटें ये सबको बांटी हैं, जिसमें हमारे को अभी कुछ किटें लेके हम ये अनुग्रहालय में आए थे, जिसमें हमें लगा कि ये जो बच्चे हैं अपना, इनको भी हमें मदद करनी चाहिए अपना, क्योंकि ऐसे टाइम के अंदर इनको लिए कौन ख्याल रखेगा। इसलिए आरडब्ल्यू ने पहले फैसला करा है कि इनके लिए भी हेल्प करेगा। इसके बाद हमने और भी अपना रखा है, तो आगे भी हम दूसरे उसमें जाएंगे संस्थान में जहाँ पे हमारी हेल्प हो कर सकते हैं। और जिसमें मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमारी आरडब्ल्यू को अपना फंड भी दिया है, जिससे कि ये सारे कार्य हो सके। आपका नाम? अमरीक सिंह गिल। अमरीक सिंह जी, आज आरडब्ल्यू द्वारा ब्लाइंड बच्चों को जो है आपने एक कोविड के चलते एक दान दिया है, तो क्या कहेंगे इसको लेके? आपको कैसा महसूस हुआ, क्या कहेंगे इसको? देखिए जी, हमारी आरडब्ल्यू गोविंदपुरी के नंबर 6 की हमारी टीम है, पूरी टीम हमारी ये सामाजिक कार्य में लगी हुई है जब से ये कोविड शुरू हुआ है। और हमने पहले भी 2 प्रोग्राम करें और आज भी एक प्रोग्राम करा, जिसमें कि हमने पहले भी 400 किट बांटी, फिर 200 किट बांटी, आज भी हमने 400 किट करीब अपना राशन की बांटी है, जिससे कि गरीब लोग, जरूरतमंद लोग हैं, उनकी कुछ हम एक घरेलू काम में कुछ हेल्प कर सकें। तो हमारी भी टीम ने सोचा कि भी एक हमारे यहाँ पे अनुभ्यालय भी है, क्यों ना उनकी भी हेल्प की जाए। तो हम सूखा राशन आज यहाँ पर भी लेके आए हैं, जिसमें सरसों का तेल है, चावल है, अपना
आलू भी है, प्याज भी है, बिस्कुट भी है, तो हमारी पूरी टीम चाहती है कि कैसे भी हम सामाजिक तरीके से लोगों की मदद कर सकें, और हमारी पूरी आरडब्ल्यू की टीम एकजुट होकर पूरे कोरोना में अपनी सेवा दे रही है। जिस तरीके से यहाँ पे ब्लाइंड बच्चों को आपने दिया, उनकी ज़रूरत का सामान दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत खुश दिखे हैं गिल जी, और आने वाले जो टाइम में क्या करने जा रहे हैं आप? बिल्कुल जी, बस हम चाहते हैं कि भगवान हमें सेवा करने का मौका देता रहे, शुक्र वाला हमें सेवा करने का मौका देता रहे, और हम ऐसे ही सेवा करते रहे, हमारी पूरी टीम एक साथ रह के सेवा करते रहे, और हमारे साथ हमारी आरडब्ल्यू के प्रेजिडेंट मंजीत जी भी हैं, और अपना खन्ना जी भी हैं, मोनू जी भी हैं, शकील जी भी हैं, तो हमारी पूरी टीम ऐसे ही सेवा में लगी हुई है, और हम चाहते हैं कि हमारी पूरी टीम ऐसे ही मिलजुल कर गरीब लोगों की और जरूरतमंदों की सेवा करती रहे।